योर दिस वीक, जो अभी इस वीक आपका फ्राइडे जो टेस्ट है दैट विल बी फ्रॉम सिविक्स एंड ज्योग्राफी, सिविक्स एंड ज्योग्राफी है ना, तो जो इन सिविक्स यू आर हैविंग टू चैप्टर्स, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। डेमोक्रेसी चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक फीचर दे के पूछा होना है आउट ऑफ दिस विच इज नॉट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आपको अगर फीचर पता होंगे तो आप बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, ठीक है, फिर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय सिंगल लेवल, और फिर मैं बोलूँ राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज देयर, तो कौन सा फीचर मैच नहीं हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ? सेकंड में मैंने क्योंकि बोला कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय सिंगल लेवल, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिंगल लेवल चेंजेस नहीं, फिर तो वो रॉबर्ट मुगाबे वाला हिसाब हो जाएगा, फिर तो इंडिया डेमोक्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन नॉट बी मेड बाय सिंगल लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूँ कि इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, बट देयर आर सम कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, तो आपको ऑप्शंस दी होंगी, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे फिजी, फिर मैं साथ में बोलती हूँ जैसे रशिया, एस्टोनिया, ये तो फिजी एस्टोनिया रशिया, फिर मैं बोलूँ पिजी यूके एंड व्हाट हैपन यूके एंड यूएसए, अब मैं बोलूँ फिजी एस्टोनिया सऊदी अरेबिया, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको तीनों कंट्रीज पता आएंगी देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कांट डू। फिर मैं पूछूँ आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वुमेन को, यहाँ पे वोटिंग राइट ऑफ द वुमेन जो है, वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वुमेन इज नॉट इक्वल एज कंपेयर टू मैन, तो आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, जैसे मैं बोलू इंडिया, यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, तो इस फॉर्म में सारे एमसीक्यू बन जाने हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो द फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स। नेक्स्ट, फिर आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो के भी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, फिर आप कहोगे कि चाइना में इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर वे से नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज किस पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई है इन चाइना? कम्युनिस्ट पार्टी। देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज, पूछा जा सकता है कि इन चाइना देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज, डू यू अग्री? तो फिर नीचे आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि चाइना में और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हैं, बट नो फेयर चांसेस आर गिवन टू दोज पार्टीज टू कम इन पावर, देयर इलेक्शन सिस्टम जो है ना वो ही ऐसा है कि दैट गिव ओनली इम्पोर्टेंस टू कम्युनिस्ट पार्टी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन पर्सन हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चाइना के फेमाइंस के ईयर्स पता होने चाहिए, ठीक है, 1958 to 61 चाइनीज फेमाइन के ईयर्स पता होने चाहिए। तो क्या इंडिया में उन दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस थे? यस, इंडिया वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बट इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज इन इंडिया देयर आर मल्टी पार्टीज, तो मल्टी पार्टीज में क्या होता है, एक दूसरे को पार्टीज ब्लेम करती हैं, तो एक दूसरे की रिस्पॉन्स, एक दूसरे को के वीकनेसेस को हाईलाइट करती हैं, तो इसलिए जो पार्टी रूल कर रही होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको होता है कि कहीं ना कहीं उनकी वीकनेसेस हाईलाइट होनी है एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन उन्हें लोगों को फिर फेस करना है तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। वेर एज इन चाइना तो वहां पे तो हम कह ही रहे हैं कि वन पार्टी है तो वो बॉदर ही नहीं करते, उनको पता है चाहे कुछ भी हो जाए नेक्स्ट टाइम फिर हम ही ने पावर में आना है। तो वन पार्टी सिस्टम इज इट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी? नो, वन पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। आउट ऑफ दिस विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? अभी तो मैंने कंट्रीज भी नहीं बोली, यू हैव गिव द आंसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब मैं पूछूं ऐसी कंट्री जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं किया गया एंड रेस्पेक्ट टू राइट को फॉलो ही नहीं किया गया, अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आपको पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल परवेज मुशरफ और रॉबर्ट मुगाबी, रॉबर्ट मुगाबी,
रॉबर्ट मुगाबी के अंडर क्या जुडिशरी वाज इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे? नो, जुडिशरी वाज नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे बिकॉज उसकी जो पार्टी थी ZANU-PF वो चेंजेस करती थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज द पावर ऑफ रॉबर्ट मुगाबी. इंडियन गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और नॉट अकाउंटेबल है, वेयर एज रॉबर्ट मुगाबी जो था ही वॉज नॉट अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल नहीं था. तो इट मीन्स वो वहां पे हम कहेंगे वैसे भी पीपल हैड नो राइट इन जिम्बाब्वे, पीपल वर नॉट गिवन राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो उन्हें स्ट्राइक करने का भी राइट नहीं था वहां पे जिम्बाब्वे में. तो इट मीन्स लोगों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं की गई. मीडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉबर्ट मुगाबी, वेयर एज इन इंडिया मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट. तो अगर रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट आए तो विच कंट्री यू विल राइट? जिम्बाब्वे. तो आउट ऑफ दीज मैं अगर पूछूं कि कौन सी पार्टी है जहां पे फ्री एंड फेयर वे से इलेक्शंस नहीं होते, तो वो कौन सी कंट्री है? एक तो आप लिख सकते हो चाइना, सेकंड मैक्सिको. मैक्सिको की मेन पॉलिटिकल पार्टी PRI, PRI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. जैसे उस दिन एक मिनट यहाँ पे एक बच्चा मुझे कह रहा था वाई ऐसा क्यों है कि आप उल्टी उल्टे ऐसे बोल रहे हो. PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहता, पहले पी का मीनिंग आना चाहिए. यहाँ इस क्लास में नहीं, ये सेक्शन में मुझे बच्चे ने पूछा पहले पी का मीनिंग आना चाहिए. तो अब मैं आपको पूछूं PRI की फुल फॉर्म एक तो है आपको पता ही है, ठीक है. फिर आपको कहा जाए पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी, तो इस वे से आपको अगर बनाया जाए इसको पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी, तो एक आई का बना लो क्या बन सकता है जैसे कुछ भी एक वर्ड बना के, तो इस वे से भी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए. वैसे है कि है क्या नाम पार्टी का? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो बनाया जा सकता है पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन. तो जिसने पढ़ा ही नहीं होना उसने फिर PRI के अकॉर्डिंग चलना है. पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन ये तो नहीं है ना, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. क्या ये पार्टी फेयर मेथड से सब कुछ काम करती थी? नो, दिस पार्टी यूज ऑलवेज डर्टी ट्रिक्स. तो कंपेल करती थी टू द टीचर्स ऑफ द स्कूल्स टू फोर्स द पेरेंट्स टू कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ PRI. वैसे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कंपल्सरी था टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ PRI. तो इट मीन्स PRI डर्टी ट्रिक्स यूज करके वहां पे रूल कर रही थी इन मैक्सिको एंड इन जिम्बाब्वे. आप बताओगे रॉबर्ट मुगाबी ऑलवेज यूज अनफेयर मेथड्स टू कम इन टू रिमेन इन पावर, रॉबर्ट मुगाबी का आप बता सकते हो. फिर इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन जिम्बाब्वे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर, जिम्बाब्वे में कितने सालों के बाद होते हैं? मैक्सिको में बताओ जरा, मैक्सिको 6 है, जिम्बाब्वे बताओ 5. इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी, इन जिम्बाब्वे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 इयर्स, इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 इयर्स, इन मैक्सिको इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 6 इयर्स. तो मैक्सिको का आपको याद रहना चाहिए इन मैक्सिको इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 6 इयर्स. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है. और आपको मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में जैसे ZANU-PF दे दिया और इधर PRI दे के, तो उधर आपको पार्टीज दे के पूछा होगा कि इस ये पार्टी किससे मैच करती है. मैच द कॉलम करने आते हैं और मैच नहीं करना वहां पे, पता है ना, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नीचे ऑप्शन होंगी, यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू मैच, अपने मन में मैच करोगे, फिर आप देखना नीचे से कौन सी ऑप्शन उसके साथ मैच कर रही है, देन दैट ऑप्शन यू विल राइट. इज इट क्लियर? तो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आपको जैसे मैंने अभी नाम बोले हैं वोटिंग राइट, जैसे मैं बोलूँ इक्वल, जैसे मैं बोलूँ इंडिजीनियस फिजी जो है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी इज मोर, तो ये कौन सी कंट्री है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ रशियन माइनॉरिटी जो है इज लेस, तो किसका है? एस्टोनिया. तो अगर मैं पूछू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वुमेन एज कम्पेयर टू मैन इज लेस, सऊदी अरेबिया. तो मैच द कॉलम में ये भी आ सकते हैं. तो मैच द कॉलम में पॉलिटिकल पार्टीज के नाम देके पूछा जा सकता है. मैच द कॉलम में रूल ऑफ लॉ इज नॉट फॉलोड बाय डैश कंट्री, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन दिस कंट्री, इक्वल वोटिंग राइट इज नॉट गिवन टू ऑल, उधर आपको कंट्रीज देके पूछा जा सकता है कि इनके साथ मैच करो. अगर आपको पता होगा तब भी आप मैच करोगे ना,
तो इस वे के मैच द कॉलम और फिर राइट द इवेंट इन सीरियल ऑर्डर. आपको सीरियल ऑर्डर में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है किसी भी इवेंट को. जैसे कि आपको ईयर्स याद होने चाहिए, फिर अदरवाइज यू कॉन्ट डू. अगर ईयर्स याद है ना तो आप इवेंट्स कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ, आप चलो जैसे आप फ्रांस चैप्टर में से आपको ईयर्स को ले लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ बॉडी ऑफ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, फिर मैं बोलूँ डेथ ऑफ लुई सिक्सटीन वॉज एग्जीक्यूटेड. अगर ईयर्स पता है तभी मैच करोगे ना. फिर साथ में मैं बोलूँ नेपोलियन बिकेम द रूलर, और साथ में मैं बोल दूँ लुई सिक्सटीन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. सबसे पहले लुई सिक्सटीन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस, सेकेंड मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल, थर्ड लुइस वॉज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वो ईयर कौन सा था 1793, एंड नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1804. अगर ईयर्स बताएंगे देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कॉन्ट डू. ईयर्स पता होने चाहिए, डेट भी वहां पे डेट्स भी हैं. मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल, फिर है मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल की डेट याद है 5 मई 1789. फिर इसी में आप कहते हो 20 जून 1789 को कौन बाहर हो गया उस मीटिंग से, पीपल ऑफ थर्ड स्टेट वॉक्ड आउट ऑफ द मीटिंग. फिर हम कहते हैं फाइल डिक्री 4 अगस्त 1789 ही चल रहा है सारा 1789. फिर बीच में मैंने एक इवेंट छोड़ा बेस्टाइल फोर्ट 14 जुलाई 1789. तो इस वे से आपको अगर ये डेट्स एंड ईयर्स नहीं पता हुए ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जानी है प्लीज. ठीक है, ऐसे सिविक्स में से भी इवेंट्स देके पूछा जा सकता है आपसे. देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड मुझे लगता है केस स्टडी 8th में आपने कभी नहीं की है ना, तो आपको एक जैसे वन सोर्स फ्रॉम हिस्ट्री, वन फ्रॉम सिविक्स, वन फ्रॉम ज्योग्राफी, वन फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फोर सोर्स होंगे. सोर्स को नंबर नहीं दिया होगा, ठीक है, नंबर दिए होंगे क्वेश्चंस को. फॉर एग्जांपल पहले तो हम सोर्स देते थे तो 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दे देते थे सोर्स के साथ, बट ऐसे नहीं है क्योंकि आपके टोटल 40 क्वेश्चंस वहां पे होने हैं. ओएमआर शीट पे आपने 40 के आंसर्स भरने हैं, ठीक है. तो सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी भी नंबरिंग की होगी. जैसे एक सोर्स देखे तो उसमें 32 33 34 35 ये क्वेश्चंस आ गए. अगला सोर्स देखे सोर्स की नंबरिंग नहीं होगी 36 37 38 39, ऐसे नंबरिंग दी होगी क्वेश्चंस को. आपने अपने क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंस देनी है एंड यू विल नॉट बॉदर कि पेपर मिक्स्ड है. पेपर मिक्स्ड होएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, मे बी नेक्स्ट 2 फ्रॉम ज्योग्राफी, मे बी नेक्स्ट 2 फ्रॉम सिविक्स, मे बी नेक्स्ट 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स. मिक्स पेपर है तो आपको ये बातें बॉदर नहीं करनी. वहां पे आपने अपने सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आंसर्स फिल करने हैं. कभी पहले 8th में जैसे आप करते थे ना, आपको एक इकट्ठा सब्जेक्ट था सोशल साइंस, सेम एज इन 9th. अब आप इसको ये लेके चलो कि ये सोशल साइंस है, ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं है, इट्स अ सोशल साइंस. तो आपको अपने सब्जेक्ट को कंबाइन आएगा पेपर, तो आपको वैसे ही करना है. आपको वहां पे ये नहीं सोचना ये हिस्ट्री के बाद तो ज्योग्राफी आ गई, आ जाए फिर क्या हो गया, आपको क्या लेना देना उससे. मिक्स पेपर है तो मिक्स के जैसे वहां पे नंबरिंग, अगर बच्चे ने नंबरिंग चेंज कर दी, आंसर उल्ट पुलट कर दिए, तो 0 नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका सीक्वेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर चेक होने हैं. पता है ना ओएमआर शीट, वाइटनर नहीं लगाना उस पर, वाइटनर लगेगा तो नंबर कटेंगे, ठीक है. दो दो ऑप्शंस बच्चे टिक कर जाते हैं, 0 विल बी गिवन फॉर दैट. ये सारे मैं आपको सीबीएसई के रूल्स बता रही हूँ. अगर बच्चा 2 ऑप्शन टिक करके आता है 0, अगर बच्चा वाइटनर चलाता है तब भी 0, वाइटनर भी नहीं चलाना. समझ आई, आप पहले ही ध्यान से करो, केयरफुली करो. तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का ये मत सोचना कि आंसर विल बी देयर इन द पैराग्राफ, नो, हो सकता है आंसर एक भी ना हो. सोर्स देके सिर्फ आपको हिंट दिया गया, सोर्स देके बस. आपको वहां पे अगर लेसन पढ़ा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, वेलकम, आप आंसर दे दोगे अपने आप बताओ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलू आपको सोर्स दे दिया जैसे रेन ऑफ टेरर में से, ठीक है, तो आपको उस पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको ये पूछा जाए कि हु वाज रॉबेस्पियर, उसका आंसर ही ना हो सोर्स में, तो आप बता ही दोगे. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबेस्पियर, आंसर में ना हो सोर्स में, ना हो सोर्स में हो ना फिर, तो आप बता ही दोगे, है ना. कैसी पार्लियामेंट इसने की थी अपॉइंट, कन्वेंशन,
जिसको कन्वेंशन नाम दिया था, ठीक है ना, पता है ना, तो किस क्लब का लीडर था जैकोबिन। तो इस वे से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आंसर्स नॉट इन द सोर्स, ऐसे आ रहे हैं सोर्स में आंसर ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता चला, और कुछ क्वेश्चन होंगे assertion एंड रीजन, assertion एंड रीजन में यहाँ तो आप बताओगे कि बोथ आर करेक्ट, आर इज द जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, एक तो ये ऑप्शन होगी। फिर होगी assertion इज बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। फिर होगा assertion इज ट्रू आर इज फॉल्स, फिर होएगा assertion is false or is true, ये फोर ऑप्शंस होंगी। अब आपको वहां पे देखना है कि आपका वो मैच हो रहा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सारा बहुत ध्यान से करना है, फिर आप करोगे, ऐसे ही नहीं करके आ जाओगे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं कहती हूँ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, फिर मैं कह रही हूँ सरोजनी नायडू वॉज वन ऑफ द वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत ही करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अगर मैं कहती इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, तो आपने कहना बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, क्योंकि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, इज इट क्लियर। तो इस वे के क्वेश्चन होंगे। अब मैं बोलूं जैसे ध्यान से सुनना, इन एस्टोनिया वोटिंग वैल्यू जो वुमेन की है ना दैट इज नॉट सेम एज ऑफ मैन। अब मैंने एक नेक्स्ट बोलना है, जैसे मैं एक मैंने ये बोला एस्टोनिया में मैंने वुमेन को लिया, अब मैं कह रही हूँ कि इन फिजी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी इज मोर एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी, बताओ विच इज करेक्ट, assertion इज फॉल्स वेयर एज रीजन इज ट्रू। तो इस वे से पहचानना है आपने, समझ आई, वहां पे अगर पहचाना ही गलत तो फिर जीरो, मैच द कॉलम, मैच ही गलत कर दिए। इवेंट्स आपको इयर्स ही नहीं पता तो आप इवेंट्स कैसे करोगे, आप उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लिख ही नहीं सकते, अगर इयर्स ही नहीं पता आपको, डेट्स ही नहीं पता तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस वे से अगर आपने फीचर्स ही नहीं पढ़े डेमोक्रेसी के, तो वहां पे फीचर्स ही दे के एक गलत दिया हुआ तो आप कैसे पहचानोगे कि दिस इज रॉन्ग, तभी पहचान पाओगे ना अगर करोगे तो। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में से जैसे बोलती हूँ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बी आर अम्बेडकर। फिर मैं पूछ रही हूँ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अगेन सेम, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है। अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब मैं पूछ रही हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर वही है, ठीक है ना। तो इस वे से फिर अगर मैं पूछूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो अब मैं आपको पूछ रही हूँ इन विच ईयर अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1949, आवर फ्रेमर्स वेटेड फॉर 4 months, 3 months, 2 months, 1 month, 2 months, किसको ऑनर करना चाहते थे, ये तो चलो नहीं पूछेंगे, हाँ जो उन्होंने पंडित नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू नहीं, पंडित नेहरू ने प्लेज ली थी दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस इन द होल ऑफ इंडिया, बट वो पूरा नहीं हुई थी उनकी बात, उस डे को ऑनर किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो किसने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन 1928, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउट ऑफ दीज द वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप मुझे वैसे ही बता दो, एक तो सरोजनी नायडू एंड सेकेंड दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तो सरोजनी नायडू आप बोलो और एक दुर्गाबाई देशमुख। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली डैश पार्टली डैश, पार्टली फ्लेक्सीबल पार्टली रिजिड, क्योंकि चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, बट इट्स नॉट इजी, रॉबर्ट मुग्गा भी की तरह नहीं है कि जब दिल किया चेंजेस करो और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज कर दो, ऐसा नहीं है इंडिया में, इट नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, फॉर दिस अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल इज नीडेड,
अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल इज नीडेड, ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इज इट ट्रू? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है, इज इट ट्रू? ट्रू। अब मैं पूछ रही हूँ, अपार्टहाइड वाज फॉलोड इन विच कंट्री, इंडिया और साउथ अफ्रीका? अपार्टहाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, कलर। अपार्टहाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हु स्पेंट 28 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल? नेल्सन मंडेला। अब मैं आपको यहां से पूछती हूँ, ध्यान से बताना, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह रही हूँ, साउथ अफ्रीका बिकेम अ रिपब्लिक, लिसन केयरफुली, सारे इवेंट सुनते जाना। नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम द जेल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड। अरेंज दीज इन सीक्वेंस ऑर्डर, बताओ सबसे पहले क्या हुआ था, अगर यस पता देन यू कैन राइट। बताओ सबसे पहले क्या बना इनमें से जो मैंने बोले, एक तो मैंने बोला कि नेल्सन मंडेला रिलीज हुआ जेल से, एक मैंने बोला साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बना, फिर मैंने बोला ANC बनी वहां पे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, फिर मैंने बोला इंडिया का, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। सबसे पहले क्या हुआ? नो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1946, तो वहां पे तो बना, बाद में 1956 में जाके वो बनी, तो वो आ गया। फिर नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल 1992, क्योंकि उसको 2 years किसको बनाने में लगे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट मीन साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक इन 1994। तो ये सारा तो क्लियर है। अब मैंने एक बीच में पूछ लिया कि नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम द जेल, नो डाउट ईयर इज नॉट गिवन, बट हम खुद ही तो कहते हैं इट टुक 2 years टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे 2 साल लगे, इट मीन्स वो कौन से ईयर में जेल से आया, 1992, he released from the jail in 1992, and South Africa became Republican 1994, तो ये इस वे से सोचोगे, then you can do otherwise, no। अब मैं जैसे फिर इसमें से बोल देती हूँ, listen carefully, B.R. अम्बेडकर became the chairman of drafting committee, ठीक है, फिर सुनो, constitution was published in leading newspapers, Constituent Assembly was formed, Constitution was given to Indian nation, very good, फिर Constituent Assembly was formed, second, B.R. Ambedkar became the chairman of drafting committee, third, जब वो chairman बने थे तो कहां पे publish किया था, newspaper, oh sorry, Constitution, leading newspapers में, it means ये बाद में ही हुआ ना event फिर, उसके बाद Constitution was given to Indian nation, तो वो तो 1950 है, पता है ना, Constitution was given to Indian nation, कौन से ईयर में, तो आपको इतना तो पता ही है ना, ये वाला इवेंट बाद में हुआ, ये वाला पहले हुआ, तो ये सिर्फ फ्रांस में से ही नहीं बनने, ये सिविक्स में से भी बन जाने हैं, इवेंट सिविक्स में से भी बन जाने हैं, इज इट क्लियर? तो किसी भी वे से ये क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। इसको इतना इजी लेके भी ना चलो, इतना टफ भी ना लेके चलो, इतना डरने की भी जरूरत नहीं, इतना बहुत इजी भी नहीं है कि ये तो MCQ हो गए, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो अब तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, एक क्वेश्चन गलत सीधा एक नंबर गया।